अगली खबर में बात करते हैं मन्नतधारियों को लेकर। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की धुन के साथ जमीन पर लेटे लोग और उनके ऊपर से दौड़कर निकलती गायें, यह नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में। लोगों ने दीपावली के दो दिन बाद बुधवार को परंपरा का निर्वहन करते हुए गाय गौहरी का पर्व मनाया। गाय गौहरी का पर्व दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण इसे एक दिन बाद मनाया गया। बड़नगर तहसील के ग्राम भिड़ावद में सुबह गोवर्धन पूजा के बाद मन्नतधारियों के ऊपर से गायें गुजरी। ग्रामीणों के अनुसार इस अनूठी परंपरा का निर्वहन कई वर्षों से होता आ रहा है। मन्नत पूरी होने पर लोग मन्नतधारी 5 दिन गांव के मंदिर में रहकर भजन कीर्तन करते हैं। गोवर्धन पूजा के पहले ग्रामीण अपनी गायों को सजाकर लाते हैं। पूजन के बाद मन्नतधारी जमीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद सैकड़ों गायें एक एक कर उनके ऊपर से गुजरती हैं। मान्यता है कि इस परंपरा के निर्वहन से गांव में खुशहाली बनी रहती है। परंपरा के पीछे लोगों का मानना है कि गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास है। गाय के पैरों के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस बार गांव के 10 लोगों ने मन्नत रख उपवास किया था, जिसमें महेश, रामेश्वर, मोहन, नरेंद्र, कान्हा, सोनू, प्रकाश चौधरी शामिल थे। दीपावली के 5 दिन पहले 11 के दिन सभी ने घर छोड़ा और गांव स्थित माता मंदिर पहुंचे। यहां वे 5 दिनों तक भजन कीर्तन करते रहे। बुधवार को मन्नतधारियों ने मन्नत पूरी की। ढोल नगाड़ों के बीच गायें उनके ऊपर से गुजरी। इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनका कहना था कि सालों से चली आ रही परंपरा के कारण आज तक किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। दीपावली के अगले दिन सुहाग पड़वा पर भीड़ाबाद गांव के ग्रामीण सूरज निकलने से पहले ही सदियों से चली आ रही गौरी पूजन की परंपरा की तैयारियों में जुट जाते हैं। सूर्योदय के साथ ही मंदिर की घंटी बजने लगती है। ग्रामीण सबसे पहले गायों को स्नान करवाते हैं, उन्हें सजाने की तैयारी शुरू होती है। गाय के सींग, खुरों और शरीर को आकर्षक रंग से सजाया जाता है। इसके बाद गायों को लेकर चौक पहुंचते हैं। पिछले 5 दिनों से घर छोड़कर मंदिर में पूजा पाठ कर रहे मन्नतधारी पूजन के बाद जुलूस के रूप में यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद गाँव के मुख्य मार्ग पर मन्नतधारी एक एक कर जमीन पर मुँह के बल लेट जाते हैं। सज धज कर तैयार गायों को उनके ऊपर से गुजारा जाता है। गाय दौड़ते हुए मन्नतधारियों के ऊपर से गुजर जाती है। पांच दिन हम पूजा करते गौ माता की। 5 दिन से मंदिर में रुकते हैं और गौ माता का दूध ही पीते, इसे इसके अलावा कुछ भी खाते पीते नहीं है हम। और गौ माता हमारे ऊपर से निकलती है तो हमें मतलब फूल की तरह महसूस होती है। इससे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्या अनहोनी हो।